हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है मुजफ्फरपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर वैशालीगढ़, वैशाली ज़िला है। और ये सामने जो है ये स्तूप है, शांति स्तूप। ये देखिए इधर ये गार्डन है। पब्लिक है आनंद लेते हुए। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है अशोक पिलर। जी हाँ, ये वही पिलर है जो बहुत टाइम पहले इंडियन करेंसी 1 रुपी के क्वाइन में होता था। और ये शेर का जो चिन्ह देख रहे हैं, यही चिन्ह आपको 1 रुपये के कॉइन पे होता था और नोट पे भी होता से नोट्स में। यहाँ की लोकल पब्लिक, स्कूल के कुछ बच्चे और यहाँ सेल्फी ले रहे हैं भैया लोग। हाँ तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कुछ आकृतियाँ हैं यहाँ पे। ये अशोक पिलर है, ये शांति स्तूप है। और देखिए यहाँ की जो लोग पब्लिक है, कुछ स्कूल के बच्चे भी आए हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं थोड़ा नज़दीक इसके। ठंड का भी टाइम है दोस्तों। ये देखिए ये आकृतियाँ जो है बनी हुई। और ये देख सकते हैं आप चिन्ह को, ये अशोक स्तंभ है। ये शांति स्तूप। आइए और थोड़ा आपको दिखाया जाए आकृतियाँ। ये देखिए टूरिस्ट लोग भी आए हुए यहाँ पे। ये देखिए ये एक छोटा सा पोखर है जो कि इसकी सुंदरता को और भी सुंदर बनाता है, लेकिन अभी काफी दिनों से ये गंदा पड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए बच्चे को एंजॉय करते हुए। इसके बारे में और भी बातें हैं जो आपको आगे बताई जाएगी। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, गौतम बुद्ध जो भगवान हैं, जो लोग उनको मानते हैं। यहाँ पे हर समुदाय के लोग आते हैं, कुछ लोग पिकनिक मनाने आते हैं, कुछ लोग ऐसे एंजॉय करने आते हैं। आप जब अभी जैसे ठंडी का टाइम आ गया ना, आप जब ठंडी के टाइम पे इसमें दोपहर को आओगे यानी आफ्टरनून में, तो यहाँ का जो खूबसूरती है ना वो आपको और भी देख करके आकर्षित करेगा आपको अपनी तरफ। ये शांति स्तूप का हम चक्कर लगा रहे हैं। और देखिए स्कूल के बच्चे हैं इधर, ये एंजॉयमेंट ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
ये देखिए यहाँ पे गार्डन है और रोज देख सकते हैं आप, ये रोज है रेड रोज, इसके बगल में येलो वाइट रोज है, ये पीच रोज है, वैरायटी ऑफ रोजेज है इस गार्डन में। ये देखिए रेड रोज, येलो रोज, पिंक रोज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आगे आपको और भी बहुत सारी ऐसी रोमांचक वीडियो मिलेंगी, आगे और भी जगह घूमने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और पॉसिबिलिटी हो तो शेयर भी कर सकते हैं आप। हम आपको घर बैठे बहुत सी जगह ऐसी जगह है जहां आप ऊपर वाला चाहे तो जाएंगे ज़रूर, लेकिन घर बैठे आप हमारे माध्यम से उस जगह को एंजॉय कर सकते हैं। Thank you.